पेशेंट पेशेंट का बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है ड्यू टू एनी ट्रामा ह्यूमरेज हुआ है या फिर पेशेंट अनिमिक है हिमोग्लोबिन कम है या फिर पेशेंट का कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर होने वाला है जिसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है सो दैट वी नीड अ काइंड ऑफ ब्लड ओके तो ब्लड नियरेस्ट ब्लड बैंक सेंटर से कलेक्ट किया जाता है एंड अल्टीमेटली यू कैन सी ईयर बी टी सीड वी हैव अप्लाइड ईयर बिफोर द पर्टिकुलर ब्लड बैंक से जो हम पर्टिकुलर ब्लड मंगाते हैं ब्लड ग्रुप जो भी कुछ मंगाना हमें रहता है उसके पहले बिफोर दैट पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए सो यू कैन सी ईयर बी टी सेट वी आर चेकिंग ईयर आपको पूरे ईयर बबल वगैरह निकाल देना है और बी टी सेट में कोई ब्लॉकेज वगैरह है या नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अप्लीकेशन यू हैव टू रूल आउट इट ओके सो यू कैन सी ईयर द सिस्टर इज चेकिंग इट तो आई एम डिस्कसिंग ईयर कि पेशेंट का अगर ब्लड अगर मंगाना है तो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप अगर उनको पता है तो दैट इज़ ओके वो लाइफ लॉन्ग सेम रहता है बट अगर नहीं पता है तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप आपको पैथोलॉजी लैब में भेजना पड़ेगा वहाँ से ब्लड ग्रुप आप फाइंड आउट करो उसके बाद ब्लड ग्रुप फाइंड आउट हो जाने के बाद डेफिनेटली आपको एक पर्टिकुलर ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है पेशेंट का ओके रेड एंड पर्पल जो ट्यूब आएगा उसमें आपको ब्लड सैंपल सेंड करना है पर्टिकुलर ब्लड बैंक में फॉर क्रॉस मैचिंग क्रॉस मैचिंग के लिए आपको ब्लड बैंक में पर्टिकुलर ब्लड सैंपल पेशेंट का भेजना पड़ेगा और वो पर्टिकुलर ब्लड कौन सा ग्रुप का है वो भी आपको एक लेटर में बना के देना पड़ेगा ओके एंड अल्टीमेटली वहाँ से वो पर्टिकुलर ब्लड रिजर्व है या फिर इशू है वो भी आपको लेटर में मैंशन करना रहेगा कि इमीडियटली इशू करना है इमिडियटली रिजर्व करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करेंगे अगर तो या पे यू कैन सी यर दिस इज़ इंजेक्शन आई विल वी आर बिफोर दैट ट्रांसफ्यूजन वी आर गिविंग द इंजेक्शन आई विल इंजेक्शन एफ इंजेक्शन एविल ये एंटी इस्टीमिनिक्स है एंड अल्टीमेटली इंजेक्शन ऑफ कॉल इनथिंग बट इट इज़ अ इस्टोराइट्स सो सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं अ काइंड ऑफ पेशेंट का किसी दूसरे पेशेंट का किसी दूसरे पर्सन का कोई भी पार्ट या फिर कोई भी अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स अगर दूसरे पर्सन में तो डेफिनेटली देर इज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में हैपन इन द बॉडी तो डेफिनेटली ये भी जो ब्लड कलेक्टेड हुआ है पर्टिकुलर ब्लड बैंक में जहाँ से हमने ये रिसीव किया है डेफिनेटली वो भी किसी पर्सन uh, का है वो भी किसी काइंड ऑफ पेशेंट का होगा ओके एंड देट्स वाई अ ऑफ उसको देने से पहले आपको इंजेक्शन एविल टू सी सी इंजेक्शन एफकॉलिन हंड्रेड एम जी का आपको देना है तो इसको देखिए डिजोल्व किया डिजोल्व करने के बाद डायरेक्टली अभी इंट्राविनियसली इसको देना है पेशेंट को ओके okay? कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जगहों पे कोई कोई हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन लाजिक्स भी देते हैं इंजेक्शन लैजिक्स मिड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग मिड ट्रांसफ्यूशन देते हैं या फिर बिफोर द दे ट्रांसमिशन देते हैं दैट इज ओके सम समयर इट इट इज गिवेन सम वेयर इट इज़ नॉट गिवन बट अफकॉलिन और एविल जो है वो मोस्ट ऑफ प्लेसेज पर इसको देते ही है, देते हैं ओके okay? तो यू कैन सी यर ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं बट बिफोर दैट वी आर लोडिंग द डोज ऑफ आवर इंडक्शन एविल एंड एफकॉल इन इंजेक्शन एविल रेडी हो गया है नाउ वी आर गिविंग द नाउ इट इज़ रेडी टू गिव टू देशन ओके यू कैन सीयर वी आर नाउ गिविंग टू द पेशेंट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द ट्रांसमिशन यू हैव टू रिकॉर्ड द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट ओके वाइटल्स रिकॉर्ड करना है एंड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगेन यू हैव टू रिकॉर्डॉर्ड द वाइटल्स वाइटल्स में क्या है सेचुरेशन पल्स रेस्परेशन एंड बी पी ओके मिड ट्रांसमिशन में आपको रिकॉर्ड करना है एंड अल्टीमेटली ये जो पूरा पी सी जो रहता है पैक सेल वॉल्यूम रहता है जो ब्लड रहता है वो आपको टू टू थ्री आवर में फिनिश करना है स्लोली स्लोली इसको देना है फास्ट नहीं देते हैं और पेशेंट को कोई हाइपर इट शुड बी फिनिश विद इन टू टू थ्री आवर जस्ट वी हैव डिस्कस्ड हियर सो इंजेक्शन आई विल वी हैव गिवन इंजेक्शन एफ कॉल इन अगेन द वीडियो इज रिपीटेड हियर सो यू कैन सी हियर दिस इज़ नथिंग बट आवर थ्री वे दिस इज आवर थ्री वे एंड दिस इज नथिंग बट अव इंजेक्शन एफ कॉलिन एफकॉलिन जो है हाइड्रोकॉड रहता है हंड्रेड एम का पाउडर फॉर्म में रहता है उसको डिस्ट्री वाटर में डिजोल्व करने के बाद लोड करना है सीरीज में एनअल्टीबेटिक आई वी इंट्राविन यू हैव टू गिव द पेशेंट ओके सो वे है ये पेशेंट का कैनुला है नाउ वी विल अटैच टू द दिस काइंड ऑफ आई वी सेट और बी टी सेट और द कैनुला ओके सो दिस इज नथिंग बट नाव इज ऑन हेयर फ्रीकेंसी हेयर द बी टी शुड बी गिवेन स्लोली सो so, जैसे ही ब्लड पर्टिकुलर ब्लड बैंक से आता है उसका कलेक्शन डेट एक्सपायरी डेट टेस्टिंग डेट और ट्रिपल एच टेस्ट ये हुआ है या नहीं हुआ है क्रॉस मैचिंग ए ड्यूरिंग विथ योर ब्लड सैंपल या फिर एस सी वी एच बी एस ए जी एंड एच आई वी एच आई वी वन टू वो इट बी MPa, शुड बी नॉन रिएक्टिव ऑफ दैट so, ओके एम पी एंटीजन शुड बी नॉन रिएक्टिव वॉट एवर सो कोई भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ना हो आपको यूनिट नंबर कलेक्टिंग डेट टेस्टिंग डेट और एक्सपायरी डेट ये पर्टिकुलर ब्लड का आपको देखना है जो पर्टिकुलर अ काइंड ऑफ Uh, जो भी आपका ब्लड ग्रुप रहेगा वो ब्लड ग्रुप वाला भी आपको ये सैंपल है या नहीं ये भी आपको देखना है इसमें तो यू कैन सी यर दिस इज नाउ फुल्ली कंप्लीटेड अटैच्ड विद द पेशेंट दिस ओके एंड पेशेंट इज लिटिल बिट विशियस अबाउट दिस बी टी एंड फोल्डेड इज ले